अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम बात कर रहे हैं विच इज़ अ वेरी कॉमन इशू, वो है जी हमारे शोल्डर्स, ठीक है, जो कि बहुत अनरिलैक्स्ड होते हैं, ख़ासतौर पे जो ऑफिस में काम करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, फिर हम जो खाना भी है वो भी जो है वो झुक के खाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मैंने ऑफिस के लोगों को देखा, वो उनकी कंधे ही इस तरह से हो जाते हैं, वो उनकी मसल मेमोरी इस तरह बन जाती है, वो इस तरह चलते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे जिससे आपके शोल्डर रिलैक्स डाउन होंगे, यू विल एक्चुअली हैव अ मोर कॉन्फिडेंट और कम्फर्टेबल पोजिशन। तो वो लोग जिनको शोल्डर इनके फ्रीज हैं वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और वो लोग जो बिल्कुल ठीक है इसको परफॉर्म करेंगे उनका पोस्चर भी इम्प्रूव होगा और कभी भी उनके शोल्डर जो हैं वो स्टिफ नहीं होंगे ना फ्रीज होंगे। ऑलराइट, तो आप इसको जो है ना मेरे साथ प्रैक्टिस करें इस सेशन को, फिर मैं आपसे जो है वो फीडबैक इसका लूँगा। ऑलराइट, आर यू रेडी? स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं, आपने हिप विड्थ के अकॉर्डिंगली पाँव रखने हैं, थोड़ा सा आपने पेल्विक को आगे तो फॉरवर्ड करना है, रिलैक्स योर शोल्डर, बिल्कुल स्ट्रेट देखना, जो आपकी स्ट्रेसलेस पोजीशन होगी, इसको माउंटेन पोजीशन भी आप कहते हैं, ठीक है। दो तीन लंबे करें, सांस लेते हैं, इनहेल करें, एक्सहेल, नाक से इनहेल करना है, बैली को बाहर की तरफ पुश करना है और एक्सहेल करते हुए नॉर्मल पोजिशन पर आ जाए, ठीक है। हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल, फेस को रिलैक्स कर लें, चीक्स को रिलैक्स करें, माथे पे सलवटे ना हो, फेस पे कोई जो है ना वो बिल्कुल प्लेजेंट हो आपका फेस, ठीक है। तो ब्रीदिंग करते रहें, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ऑल राइट, अब हमने शोल्डर को फॉरवर्ड रोल करना है, उठाने हैं शोल्डर को, इनहेल, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड ऐसे, ठीक है जी। 10 टाइम्स परफॉर्म करें, इनहेल, एक्सहेल, जैसे फॉरवर्ड होंगे हम उसको एक्सहेल कर देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, वेरी नाइस। अब हम सेम रिवर्स परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे शोल्डर ओपन हो, चेस्ट वाइड हो, रिलैक्स, कंफर्टेबल हो, पोस्चर बेहतर हो। इनहेल किया, पीछे ले गए, एक्सहेल, स्लो स्लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 10 टाइम्स करते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ऑल राइट, यू आर डूइंग ग्रेट, कैसा फील हो रहा है? इवन के शोल्डर को फॉरवर्ड और रिवर्स हमें परफॉर्म करने से ही वी फील गुड, रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने रोटेटर कफ को तमाम तरफ रोटेट करना है ताकि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए, अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाए। अब हम हाथ यहाँ रखते हैं, पीछे की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं, आगे की तरफ करते हैं, पीछे की तरफ करते हैं, आगे की तरफ, वेरी नाइस, एक्सहेल, 6, 7, 8, 9, 10। ऑल राइट, हाउ यू फीलिंग? अब हमने कंधों को उठाना है ऐसे, इनहेल करते हुए और स्लोली स्लोली एक्सहेल कर देना, ठीक है। एक्सहेल, मैक्सिमम कानों की तरफ लेके जाएं, बाजू बिल्कुल ढीले होंगे जैसे पेंगुइन के होते हैं, एक्सहेल, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक हो गया जी। हमने तमाम जो है ना तरफ रोटेटर कफ को हमने मूव कर लिया, ठीक है। आई एम फीलिंग वेरी गुड, वेरी रिलैक्स, आप मेरा पोस्चर देख सकते हैं। अब हम परफॉर्म करेंगे, हमने स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को ताकि ओपन बॉडी, ओपन हार्ट एक्सरसाइज हो जाए। हम आ जाएंगे फिंगर को भी, हम पाम को भी उठाएंगे, ठीक है। काफ्स को हम इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अपने एडी को उठाएंगे, फिंगर पे वेट शिफ्ट करेंगे, और इसके अलावा हमने हाथ इस तरह से है, हम ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल करते हुए ऐसे कोर को एंगेज करेंगे, थोड़ा सा होलो बॉडी पोजिशन लेके ऐसे, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ऐसे, इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन,
ब्रीथ आउट, ठीक है जी, करना के इस तरह से हाथ जाएंगे ऊपर की तरफ, चले जी परफॉर्म करें, ब्रीथ आउट 10 टाइम्स करते हैं, 2 ऊपर इनहेल नीचे एक्सहेल, आपको अच्छी खासी नाइसली जो है वो स्ट्रेच मिलेगी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, राइट ऐसे रखते हैं, ऊपर उठाते हैं, ये राइट वाली है मेरी बाजू, एल्बो से पकड़ते हैं, राइट वाली को हमने लेफ्ट की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है जी, 5 से 7 लंबे करें, सांस लेते हैं, इनहेल करें, लेफ्ट वाले को, अब लेफ्ट, अब हमारी है लेफ्ट एल्बो को राइट तरफ स्ट्रेच करेंगे नाइसली, शोल्डर ब्लेड पे आपका जो है ना वो स्ट्रेच आएगी, उसको फील करें और ब्रीदिंग करें, आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, बिल्कुल नाइसली सा, ठीक है जी, कंधे स्ट्रेट रखेंगे, राइट बाजू स्ट्रेट की, यहाँ से एल्बो से पकड़ी और जो है ना वो इस तरह से इसको बेंड किया, बाजू स्ट्रेट रहेगी, कंधे पे एक नाइसली से स्ट्रेच आने दें, 5 to 7 ब्रेथ, वेरी नाइस, अब हम जो है वो लेफ्ट बाजू ये और इसको स्ट्रेच करते हैं इस तरह से, कंधे वहीं पे, स्लोली स्लोली गेट रिलैक्स, लास्ट पे हम करेंगे पेंगुइन पोजीशन, उसको आप जो है ना वो एक दफ़ा समझ लें, हमने इनहेल करते हुए मैक्सिमम कंधों को उठाना है, बाजू ढीले छोड़ेंगे जैसे वो पेंगुइन के होते हैं, ठीक है, क्यूट सी पोजीशन बन जाएगी, और इनहेल करके हमने होल्ड कर लेना है और मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करके रखना है, 30 सेकेंड 20 सेकेंड जितना भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे किया, ठीक है, जब हम देखेंगे कि हमसे अब कंट्रोल नहीं, एकदम हमने मुँह से एक्सहेल करते हुए हमने जो है वो एक्सहेल आउट करते हैं, ठीक है, सो लेट्स प्रैक्टिस इट विद मी, बाजू बिल्कुल ढीले छोड़े, इनहेल करें, होल्ड द ब्रेथ, एक्सहेल करें जी, How are you feeling? See my posture. This is very good. Actually, these were the yoga poses, especially the shoulder one, which actually improve the posture, improve your confidence, improve the personality. These were actually the poses that I used to do in my university before the presentation. I used to find some place where there will be no one and I do these rotation movement and my shoulders open and relax, because this is the research. If your body, if your posture is good and confident, you will actually gain the confidence. कभी भी पता नहीं चलता था, वो कहते थे अजीम you're a super confident person. तो अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली योगा हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस एज वेल. आप लोग जॉब करते हैं, आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, डू प्रैक्टिस, डू ट्राई, थोड़ा सा पहले प्रेजेंटेशन देते हैं, परफॉर्म करें, होल्ड स्पेस, जितनी हम जब कॉन्फिडेंट नहीं होते तो हम डाइस के पीछे छुपते हैं, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं वी एक्चुअली हैव मोर स्पेस, शोल्डर आपके वाइड होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, इस तरह मर्जी प्रेजेंटेशन दे, यू विल एक्चुअली फील गुड अबाउट योरसेल्फ. तो आप इनको ज़रूर परफॉर्म करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, शोल्डर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, उनको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगी. ऑलराइट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, क्योंकि पहले चैनल था वो हैक हो चुका है, नया चैनल है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिले. और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं आपके लिए ढेर सारी दुआ करूँगा. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.